वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मार्वल स्टूडियो में 3 दिवसीय 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में 7वां अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, श्री तीरथ सिंह रावत फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, देश के जाने माने लोगों को उनके काम की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड आर्ट कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र में दिया जाता है। साथ ही श्री तीरथ सिंह रावत फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने कहा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। कार्यक्रम में AAFT स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स द्वारा न्यूज लेटर का अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। बता दें कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को 7वां अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड दिया गया, जिसमें पद्मश्री रीता गांगुली, एक निपुण नर्तकी, संगीतकार और गायिका, पंडित राम कुमार मिश्रा, प्रसिद्ध तबला वादक प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद आलोक, चेयरमैन BMDC, डॉक्टर मुस्तफा रजा, विचित्र वीणा वादक, डॉक्टर भूपेश चंद्र लिटिल, प्रसिद्ध फोटोग्राफर प्रोफेसर पूरनचंद टंडन, लेखक हिंदी तपन दास, प्रसिद्ध पेंटर करुणेश शर्मा, सीनियर एंकर एंड यूट्यूबर जैसे देश के लोकप्रिय और प्रमुख लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही सभी पुरस्कार विजेताओं ने बेहद गरिमामय तरीके से अपने मन की बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के समापन में सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज मारवा स्टूडियो में माननीय संदीप मारवा जी, जो इसके डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, उनके द्वारा 10वां ग्लोबल SRTT और फाउंडेशन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अवार्ड दिया गया है साहित्यकारों को, कलाकारों को और लेखक और विभिन्न क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम अपना प्रस्तुत किया है, ऐसों को जो चुना तो एक बड़ा सराहनीय काम। और दूसरा, जिस तरह ये कैंपस मारवा साहब ने तैयार करके विभिन्न क्षेत्रों में एक एक से विभूतियां भेजी है, फिल्म इंडस्ट्री में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, और इसको देखते हुए लगता है मारवा साहब जो यहाँ भारतीय संस्कृति को भी उजागर करते हुए और उसका प्रस्तुतिकरण, और इससे एक सब लोगों को सीख मिलता है और बहुत सारे लोगों को ने मंच दिया, तो एक एक से हमारे पास युवतियाँ, लेकिन उनको मंच मिलने की आवश्यकता है, वो मंच वो देते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया, और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये अवार्ड होता है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली इट्स ए प्रेजर फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर मी। बहुत ही अच्छा लगा ऐसे सुधी लोगों के बीच में खड़े होना और एक अवार्ड पाना, अपने आप में एक गर्व की बात होती है। संदीप सर के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? संदीप सर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं और बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने
जिस तरह से लोगों को यहाँ पर एक साथ लेकर के इतना बड़ा आयोजन किया और इतने ज्यादा हायर लेवल पे स्टडीज जो चला रहे हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही बड़ी बात है, इसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ मारवाड़ स्टूडियो में और भी पहले आ चुका हूँ, मेरे पर्सनल इंटरव्यूज के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड हुआ और मुझे अवार्ड दिया गया। जब एक कलाकार को उसके सारे जीवन के काम के लिए इस तरह का सम्मान मिलता है तो दो बातें होती है, एक तो लगता है कि हाँ जिस रास्ते पे चल रहे हैं इतने सालों से वो सही है, और दूसरा ये हमें बहुत मनोबल मिलता है कि हम और आगे इस पर काम करते रहे। मैंने अभी अपने जीवन के 60 साल पूरे कर लिए हैं, जिसमें से 50 वर्ष जाता है सिर्फ इस म्यूजिक को, मैं तबला फील्ड से हूँ, बनारस घराने से हूँ, तो इस फील्ड को जाता है, तो वो 50 साल की जो हमारी मेहनत होती है उसके लिए इस तरह के जो सम्मान और ऐसे जगह से सम्मान जहाँ पे लोग कला को और साहित्य को समझते हैं, ऐसी जगह से अगर ये सम्मान आता है तो उसकी खुशी और सभी सम्मानों से बहुत ज्यादा होती है। बहुत खुशी है कि हमें ये सम्मान दिया गया और भी आगे हम चाहेंगे कि और हम इसमें काम करते रहे, क्योंकि हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है ऐसे सम्मानों से, क्योंकि अब इतने 50 सालों की यात्रा के बाद हमें लगता है कि आप संगीत की थोड़ी थोड़ी समझ होने लगी है। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हम लोगों ने इसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर खत्म किया है। देश भर से 10 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जिन लोगों ने देश में आर्ट और कल्चर के प्रति जिनकी सिर्फ रुचि ही नहीं बल्कि एक उन्होंने ऐसा मकाम हासिल किया है जिसके लिए एशियन अकेडमी ऑफ आर्ट्स मजबूर हुआ है उनको ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने के लिए। मुझे खुशी है कि हमारा एक संपर्क रहा है आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। मैं तो उन्हें बचपन से देखता चला रहा हूं, हमारी खान मार्केट की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सेंट्रल दिल्ली पड़ती थी उसके वो मेंबर पार्लियामेंट थे और उन्हें मैं वहां पर अक्सर आता जाता देखा करता था, मैं उनसे प्रभावित हुआ। और मुझे याद है बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे एक पश्तो में एक फ्रेज दिया था, जबान श्री मुल्क गिरी, कि जिसकी जबान मीठी होती है वो देश का राजा भी हो सकता है। और मैंने बहुत खोजा तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस पूरे एग्जाम्पल उसके लिए पूरा एक एग्जाम्पल बन के सामने आए कि वो शख्स जो सिर्फ एक थैला लेकर पॉलिटिक्स में जिन्होंने एंटर किया और थैला लेके वो यहाँ से चले गए और उन्होंने 3 दफा देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके पास था क्या, उनके पास थी एक खूबसूरत जबान। और वही चीज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से इस लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए लोगों में दोहराना चाहते हैं कि अच्छी बोली, अच्छे वाक्या, अच्छे शब्द अगर इस्तेमाल किए जाएं, चाहे वो बोलने की बात है या लिखने की बात है, आप कामयाब हो सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।